नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे धर्म की आड़ में अधर्म की। धर्म एक ऐसा शब्द है जो लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है, समाज के सौहार्द से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े आंदोलनों को खड़ा करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर में अपने अपने धर्म को लेकर लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, रहते हैं। तो आज उसी धर्म के नाम पर हुए अधर्म का खुलासा उत्तर प्रदेश में हुआ है। सोचिए, एक धर्मगुरु जिसका काम नैतिक दायित्वों का प्रचार प्रसार करना था, वही अनैतिक सोच की कृत्य में लिप्त हो गया। आज हम उसी मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगे आरोपों की पड़ताल करेंगे। आपको मौलाना का एक सनसनीखेज ऑडियो सुनवाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जो है इस सुने मौके से फायदा उठाएं। आखिर मौलाना कलीम सिद्दीकी का सच क्या है? क्या धर्म के नाम पर किया धर्मांतरण का धंधा? अल्लाह हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तो हम यही सोचते रहे अब्दुल रहमान का रब भी है, अब्दुल्ला का रब भी है। ये ख्याल ही नहीं आया कि जैकब का रब भी है और जयप्रकाश का रब भी। कैमरे पर मौलाना कलीम ने क्या क्या कबूला? आधे घंटे में उसे इस्लाम के बारे में क्या जान लिया होगा और क्या सीख लिया होगा जो 32-33 साल के मुखालिफ माहौल पर भारी हो गई उसके। क्या दुबई से हुई मौलाना की पूरी फंडिंग? क्या हिंदुओं को मौलाना ने मुस्लिम बनाया? मौलाना पर धर्मांतरण के आरोप की पड़ताल। मौलाना कलीम का धर्मांतरण कांड। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बड़ा नाम है, तमाम राजनीतिक पार्टियों से उसके अच्छे रिश्ते हैं। देश और दुनिया में मौलाना की तकरीरों की बड़ी डिमांड रहती है। आज वही मौलाना अवैध धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। हम मौलाना की तकरीरों का टेप आपको अवश्य सुनवाएंगे। उससे पहले मौलाना को लेकर हुए बड़े खुलासे पर आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज इल्जामों की चार्जशीट पढ़ डाली। सबसे पहले आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जो कहा उसे गौर से सुनिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। यूपी पुलिस के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी बड़े धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड है। ऐसा रैकेट जो षड्यंत्र के तहत देश भर में गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, कहीं पैसों का लालच देकर, कहीं ब्रेन वॉश करके, कहीं गुमराह करके। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन का पूरा खेल विदेश से हो रही फंडिंग से चल रहा है। इसी आरोप में मौलाना कलीम की मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ने से पहले मौलाना का बायोडेटा बता देते हैं। नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी, पहचान इस्लामिक विद्वान, काम जाने माने धार्मिक प्रचारक, आरोप धर्मांतरण रैकेट का सरगना। अल्लाह को मनाने के हैं और अल्लाह को राजी करने के हैं और राजी करने का वक्त ताज्जुब का वक्त खास तौर पर। मौलाना कलीम सिद्दीकी की पहचान एक इस्लामिक स्कॉलर और धार्मिक प्रचारक की है। हालांकि कलीम सिद्दीकी सुर्खियों में उस वक्त आए जब बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस सना खान का निकाह करवाया था। सना खान ने फिल्मी दुनिया छोड़कर न सिर्फ मौलाना से निकाह किया बल्कि इस्लामिक कल्चर से जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। खबरों के मुताबिक
सना के इस फैसले के पीछे मौलाना कलीम की ही सलाह थी। कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके और ये सोचे उस मजे के वक्त कि ये मजा तो बस कुछ कुछ वक्त का है, खत्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा। आज वही मौलाना कलीम सिद्दीकी कानून के शिकंजे में है। पुलिस मौलाना कलीम की पूरी कुंडली तैयार करने में जुटी है। शुरुआती जांच में पता चला कि धर्म परिवर्तन के आरोप में पहले से गिरफ्तार उमर गौतम और मुफ्ती काजी भी मौलाना कलीम की रैकेट से जुड़े हुए थे। अवैध धर्मांतरण के गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि मुफ्ती काजी, उमर गौतम, जो कि IDC इस्लामिक दावा सेंटर के चलाता था, तथा सलाउद्दीन, रामेश्वर कावड़े, कौशर आलम और भूप्रिय बंदो, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त थे। उमर गौतम और इसके साथियों को ब्रिटिश आधारित संस्था अल फदा ट्रस्ट से लगभग 57 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी, जिसके खर्च का ब्यौरा अभियुक्तगण नहीं दे पाए थे। इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़ के कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये दूसरा खुलासा है जब ये कहा जा रहा है कि देश भर में धर्म प्रचार की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उस पर बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन कराने और लव जिहाद दोनों के आरोप लगे हैं। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मौलाना करीम की कई तकरीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मौलाना की तकरीरों को लेकर कई लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। हमने भी मौलाना कलीम सिद्दीकी के कई सारे ऐसे बयानों के वीडियोस को सुना, ऑडियोस को सुना। वीडियो में धर्म को लेकर और धर्म परिवर्तन को लेकर मौलाना कलीम क्या क्या दावे करता है, ये आज आपको सुनना चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक इस्लामिक स्कॉलर है तो धार्मिक गुरु भी है। देश और दुनिया में धार्मिक प्रचार के लिए जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर उनकी तमाम तकरीरें मौजूद हैं। एक किलोमीटर दूर हाईवे पर एक जगह थी। मौलाना कलीम सिद्दीकी अपनी तकरीरों में धर्म पर खुलकर बोलते हैं तो धर्म परिवर्तन पर भी बोलने से परहेज नहीं करते। सबसे पहले मौलाना कलीम के धार्मिक एंगल के दृष्टिकोण को समझिए। बुनियादी बात ये हो, सबसे पहली जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे और हम सब के जिम्मे सबसे पहली जिम्मेदारी है कि कुरान के इस तआरुफ के इस जो है जाले को और इस गंदगी को और इस अंधेरे को अपने जहनों से भी हम निकालें कि कुरान मुसलमानों की मजहबी किताब है। और दूसरे लोगों तक जो कोई जब हम किताब पहुंचाएं, किताब का तर्जुमा करें, तफसीर करें, उन तक कुरान पहुंचाने की कोशिश करें, तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। इस पस मंज़र में एक शदीद ज़रूरत है कि एक ऐसा तर्जुमा किया जाए जिसमें उनके मिजाज, उनकी जबान, उनकी माशरत, उनके ख्याल करके कि कुरान पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से कलाम है, उसे पहुँचाया जाए। मौलाना कलीम ने मुस्लिमों की बात की, इस्लाम की बात की, लेकिन एक और वीडियो में वो धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा करते सुनाई देते हैं। मौलाना कबूल करते हैं कि धर्म बदलने वालों को कुछ दिनों के लिए दुबई भेज देते हैं ताकि गैर मुस्लिमों को इस्लामिक माहौल मिल सके। हमारे एक साथी हैं वो वहाँ पर महबूब भाई, वो डेल में साइंटिस्ट थे, गुड़गांव में बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन वहाँ पर उनकी इस्लाम कबूल किया उन्होंने, महाजिर भाई थे, बड़े जज्बे के दाई, तो ख्वातीन और घर वाले चूँकि उस माहौल में रह रहे थे तो उन पर कुछ, अगरचे उन्होंने कलमा पढ़ लिया था मगर इस्लाम की वो जो है उनके यहाँ आई नहीं थी, बहुत फिक्रमंद रहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है दुबई चले जाएँ, अमारात या किसी गल्फ में, तो इन्हें माहौल मिल जाएगा, तो अल्लाह ताला करेंगे ठीक हो जाएगा, तो वो चले गए। उत्तर प्रदेश पुलिस का आरोप है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी लोगों को लालच देकर या फिर ब्रेन वॉश करके धर्म बदलवा देता था। क्या ये महज एक प्रयोग है या संयोग, इसे आप मौलाना कलीम के एक और वीडियो टेप को सुनकर समझिएगा।
22 मिनट या 21 मिनट में 22 के 22 लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने कलमा पढ़ाया, फिर उनका कि मौलाना जमात निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, चलो इन्हें वजू करवा देते हैं, तो नमाज तो पढ़ लेंगे, हमारे इनके साथ ही करेंगे हम जमात के, चलो। अब वजू कराने के लिए गए तो वहाँ कश्मीरी जो लोग थे वहाँ पर मुसलमान, और वो लोग दूसरे, वो हरगिज़ हरगिज़ उन्हें मस्जिद में नहीं, वहाँ नहीं जाने दिया वजू खाने में। ये तो नपाक हैं, ये तो काफर हैं, गंदा कर देंगे, ये कर देंगे। भाई इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गए, हमें मालूम है। एक साहब कहने लगे 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मौलाना कलीम अपने वीडियो में एक हिंदू के धर्म परिवर्तन का किस्सा सुनाते हैं। दावा यह है कि चंद मिनट में धर्म बदला जा सकता है। 32 सफों की किताब ज्यादा आधा घंटे में पढ़ ली होगी उसने, आधे घंटे नहीं तो और 35 मिनट में पढ़ ली होगी 32 सफों की किताब। कितनी छोटी सी किताब है आपकी अमानत, अगर हिंदी सही से पढ़ने वाला हो तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। आधे घंटे में उसे इस्लाम के बारे में क्या जान लिया होगा और क्या सीख लिया होगा, जो 32-33 साल के मुखालिफ माहौल पर भारी हो गई। उससे मालूम होता है कि ये कौम अंदर से प्यासी और तैयार है इस्लाम के लिए, और इतना ज्यादा वो इस्लाम पर 32 सफों को पढ़कर वो मुसलमान ऐसा हो गए, मर्द है वो, सीए है। वीडियो में मौलाना कलीम धर्म परिवर्तन को लेकर बोलते हुए साफ सुनाई देते हैं। वो बताते हैं धर्म परिवर्तन के पीछे एक बड़ी वजह क्या है। ये असल में गुनाहों की वजह, सिन की वजह से, पापों की वजह से पोल्यूशन पैदा, ताफुन पैदा हो जाता है जिस्म के हिस्से में, उससे बीमारी पैदा होती है। जो बीमारी के जरासीम है वो गुनाहों की वजह से ताफुन और गंदगी पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है ताफुन, और जब गंदगी पैदा हो जाए किसी जगह तो उसे साफ पानी से धोया जाता है। तो कुरान की शुआएं नूरानी शुआएं हैं, उस गंदगी को धो देती हैं। अलग अलग अपनी ऐसी ही तकरीरों की वजह से मौलाना कलीम सिद्दीकी को पसंद करने वालों की लंबी जमात है। देश और दुनिया में उन्हें तकरीर के लिए खास तौर पर बुलाया जाता है। ये दावत जो है शावली रहमतुल्लाह लिखा है कि दावत इस्लाम में महज एक वो नहीं है, फरीजा नहीं है, बल्कि एक तर्ज हयात का नाम दावत है। हमारे यहाँ मंजूर अहमद साहब हमारे यहाँ IG रहे यूपी में, बड़े बेचारे मिल्लत के दर्दमंद लोगों में हैं, अभी भी हयात है माशाल्लाह, रिटायर्ड हो गए हैं वो। तो उनका एक दफा फोन आया डॉक्टर के, वो जो है कि वो एक शर्मा है, के शर्मा, वो कालमपुर में हिंदुस्तान के सफीर थे, वो आए हुए हैं और फुलत देखना चाहते हैं। मैंने कहा आप लेकर आइए। वो आए तो शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का घर देखने को उन्होंने इश्तियाक जाहिर किया। उस कोठड़ी पर गए तो मिट्टी लगाकर माथे पे पैरों की लगाई, उसकी दहलीज को बराबर की चौकट को चूमने लगे उजरे की। तो मैंने क्या बात शर्मा जी, के मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना फख्र हुआ शाह वली पर। मुजफ्फरनगर के फुलत के रहने वाले मौलाना कलीम के नाम पर कई मदरसे और एजुकेशन सेंटर चलते हैं, उन सेंटर्स में मौलाना के वीडियो ही सुनाए जाते हैं। सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है, और इस अवैध धन का प्रयोग वृहद स्तर पर तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो सुनियोजित तरीके से संगठनात्मक रूप से किया जा रहा है, जिसमें देश के कई नामी लोग व संस्था शामिल हैं। आरोप है कि मौलाना के रैकेट से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, प्लानिंग के तहत पहले लोगों को जाल में फंसाते हैं, इसके बाद मौलाना कलीम के साथ एक मीटिंग रखी जाती है, मकसद होता है शिकार बने लोगों का ब्रेन वॉश करवाना। मौलाना कलीम मीटिंग के दौरान लोगों के मन में उनके धर्म के प्रति नफरत पैदा करने वाली बातें बताता है। ब्रेन वॉश का खेल खत्म होते ही लोगों का धर्म बदलवा दिया जाता है। आज तक ब्यूरो। आपने मौलाना कलीम को सुना, सारी बातें मौलाना ने खुद आपको बताई। अब हम आपको ये बता दें कि मौलाना कलीम पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या हैं। आरोपों को लेकर पुलिस का कहना है कि पुलिस के पास मौलाना के विरुद्ध पुख्ता सबूत हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि आज की तारीख में मौलाना कलीम राष्ट्रीय स्तर पर धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा रैकेट चला रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के गिरफ्तार होने की कहानी भी चौंकाने वाली है। मंगलवार की रात मौलाना चार साथी के साथ मेरठ से मुजफ्फरनगर के लिए निकला।
लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। ऐसे में किसी अनहोनी के डर से घर वाले थाने पहुंच गए। लगभग 9 बजे वो चले हैं, लेकिन रास्ते में कहीं गुम हो गए, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, ना फोन से संपर्क हो पा रहा है, ना शहर में जानकारी करने के बाद ये पता चल पा रहा है कि वो है कहाँ, किनके यहाँ है, कैसे हैं। तो उनके जो साथी थे उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम सब यहाँ लोग आए थे कि उनकी गुमशुदगी करने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, आखिर वो है कहाँ। सुबह हुई तो घर वालों को पता चला कि मौलाना को उत्तर प्रदेश ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने में मौजूद स्थानीय लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। हम लोगों ने कप्तान साहब से बात के दरख्वास्त किए कि वो इस बात का पता लगा के हमको बताएं कि वो हजरत मौलाना को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, या उनको जो भी है सही बात का पता लगा जाए। कई घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद तस्वीर साफ हो गई कि मौलाना कलीम के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई बल्कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। हुआ है कि यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर, उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार। यूपी पुलिस के मुताबिक मौलाना कलीम देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट ऑपरेट कर रहा था। आरोप के मुताबिक मौलाना ने कई ट्रस्ट बना रखी थी। ट्रस्ट की आड़ में धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने के नाम पर दूसरे धर्मों के लोगों को दावत पर बुलाया जाता था, लेकिन इस दावत का असल मकसद धर्म बदलवाना होता था। इसके लिए बाकायदा विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। दावा जो कार्य है वो बेसिकली धर्मांतरण के लिए आमंत्रण से संबंधित शब्द है। ATS उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्ला नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त दी आ रही है कि मौलाना कलीम की एक एजेंट से बात सामने आई है और ये ऑडियो टेप है जिसमें मौलाना कलीम अपने एजेंट को लड़कियों से संपर्क करने की बात कर रहा है और ये लव जिहाद को लेकर बातचीत हो रही है, यानी कि वो लड़कियां जो हिंदू लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में पड़ती हैं या किसी के प्यार मोहब्बत में चक्कर में पड़ती हैं उनसे संपर्क करने की बात कर रहा है और उन लोगों को कन्वर्ट करने की बात यहां पर कर रहा है। तो ये एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें बातचीत हो रही है मौलाना कलीम और उसके एक एजेंट के बीच में, और एजेंट से मौलाना कलीम ये कह रहा है कि ऐसी लड़कियों का पता लगाइए, ऐसी लड़कियों के संपर्क में रहिए जो लव जिहाद कर रही है। अब बात महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री की। दूसरे हाई प्रोफाइल मामलों की तरह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की मौत का ये रहस्य भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सिद्ध होने वाला है। मतलब यह हुआ कि महंत की मौत का मामला पुलिस के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सवाल सुसाइड नोट से लेकर फांसी के फंदे पर लटकने से भी अब उठने लगे। बाबा की मौत का वो कौन सा रहस्य है जिस पर पर्दा पड़ा है? बाबा के कमरे से अभी तक कौन कौन से राज मिले हैं? बाबा के चेले आनंद गिरी के रहस्य लोक से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री।
महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? बाबा के सुसाइड नोट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? महंत सुसाइड केस में अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है? क्या बाबा की भू समाधि के पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है? महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर साधु संतों के लगातार बयान आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि सारे के सारे साधु संत महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या पर विश्वास करने को तैयार नहीं। इस मामले में निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्र बुरी ने तो आज तक को एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि ना जुबान चढ़ी ना आंखें, तो फिर ये कैसे फांसी हो सकती है? और महंत की इस सुसाइड मिस्ट्री में शक की सुई किसी पर ठहर रही है तो वो खुद महंत जी का चेला आनंद गिरी है। बाबा की मौत की मिस्ट्री आनंद गिरी से शुरू होती है और इसीलिए आनंद गिरी जांच एजेंसियों के घेरे में है, क्योंकि पूरे संत समाज से लेकर हर किसी को पूरा यकीन है कि अगर बाबा की मौत मिस्ट्री का रहस्य सुलझेगा तो आनंद गिरी से ही सुलझेगा। इसीलिए आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं बाबा की मौत की पड़ताल कैसे शुरू होती है और कैसे आनंद गिरी अपने गुरु नरेंद्र गिरी की मौत के बाद शक के दायरे में आता है। मैं परसों लखनऊ में था जब मुझे समाचार मिला, केशव प्रसाद मौर्य के पास था मैं। इसके बाद गेस्ट हाउस में सभी लोग आ गए, मैंने बताया भी था, देखे होंगे आप समाचारों में। इस समाचार को सुनने के बाद मुझे अपार कष्ट हुआ और मैं चाहता हूं इसकी सीबीआई जांच हो। जब सीबीआई जांच होगी तभी असलियत की जानकारी हो पाएगी। पहले आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी कोई मामूली महंत नहीं, देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उनका उठना बैठना रहा और प्रयागराज के जिस बागमबरी मठ के वो महंत थे उसकी करोड़ों की संपत्ति है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। फिर क्यों महंत ने मौत को गले लगा लिया, इसे मामूली केस मानकर रफा दफा नहीं किया जा सकता है। और बाबा के जिस शिष्य आनंद गिरी पर मौत का शक गहराता जा रहा है वो भी बहुत पहुंची हुई चीज मालूम पड़ता है। ऐसे में सीधे योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा की मौत की परत दर परत पड़ताल करने का ऐलान कर दिया। ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। बाबा नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी मौज में रहता है या फिर वो लोग भी मजे में रहते हैं जिनका नाम सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ रहा है। लेकिन सुसाइड नोट ने बाबा की मौत को एक रहस्य बना दिया और इस रहस्य को सुलझाना बेहद जरूरी है। दो लिफाफों में मिले सुसाइड नोट के पन्नों पर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो वाकई रहस्यमयी नजर आ रही है। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के नाम का जिक्र 14 बार किया है। इसमें लिखा है, महंत नरेंद्र गिरी को हरिद्वार से सूचना मिली थी कि एक दो दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी लड़की के साथ गलत काम करने की फोटो वायरल कर देगा। वह मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। मैंने सोचा कि सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो गरिमामय पद है, सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, जिसका जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी है। सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि बाबा ने 13 सितंबर को भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन तब वो इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए थे और 20 सितंबर को बाबा ने खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। लेकिन पीछे छोड़ गए कई अनसुलझे सवाल जो उनकी मौत की वजह बने या फिर जिन्होंने उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। बाबा सुसाइड नोट में अपनी वसीयत भी लिख कर गए हैं, उत्तराधिकारी का नाम भी चुनकर गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों बाबा के उत्तराधिकारी के नाम पर कई संतों को आपत्ति हो रही है। पहले बाबा की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बाबा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी भू समाधि बनाई जाए, आज महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि भी दे दी गई और इस मौके पर काफी संख्या में साधु संत इकट्ठा हुए।
समाधियां के गड्ढे से होते हैं, लेकिन उसमें जो विशेष जगह है वो नहीं होती, ये अंतिम क्रिया के लिए होती है। भू समाधि और जल समाधि दो प्रकार की समाधियों के की चर्चा शास्त्रों में आती है। सन्यासी की शरीर की भी दो समाधियां होती है, एक भू समाधि होती है, एक शरीर छूटने के बाद जल समाधि गंगा जी में की जाती है। ये भू समाधि की व्यवस्था है। लेकिन जिस सुसाइड नोट पर ये सारी परंपराएं निभाई जा रही हैं, उसी सुसाइड नोट को लेकर कई संतों ने सवाल उठा दिए। हमने कल देखा, कल हमारे जब संत महंत सब यहाँ पे आ जाए, जब हमने उनको देखा है कि जब भी कोई फांसी लगाता है, ये भी हमने देखा है कि उनका जो यहाँ वी शेप हो जाता है। तुम्हारा शरीर का ध्यान तो है ही, उसके अलावा इनका यहाँ भी दाग है, पीछे साइड भी दाग है। कैसे? अब वही सब, ये सब जांच का विषय है, ये सब जांच का विषय। जबान भी नहीं निकली। हमारा जो समाज है, अब देखिए कि जब भी कोई फांसी देगा, एक नॉर्मल सी बात है, उसमें ये होता है कि उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी, जबान बाहर आ जाएगी, ये वो तो बिल्कुल ठीक थे। महंत केस में अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाबा के शिष्य आनंद गिरी और प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी, जबकि आद्या तिवारी के लड़के संदीप तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस लाइन में आनंद गिरी से 12 घंटे लंबी पूछताछ हुई है। आनंद गिरी से आईजी एडीजी के साथ साथ कई अफसरों ने अलग अलग पूछताछ की। आनंद गिरी से महंत के सुसाइड नोट में किए गए लड़की के साथ अश्लील फोटो और वीडियो के जिक्र पर भी घंटों पूछताछ की गई। आनंद गिरी से पूछा गया कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियो कैसेट का सुसाइड नोट में जिक्र है, आखिर वो किस ऑडियो की बात कर रहे हैं। आनंद गिरी और आध्या तिवारी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। आनंद गिरी को बाबा का सुसाइड नोट भी दिखाया गया और नरेंद्र गिरी की लिखावट की पहचान की गई। पूछताछ के दौरान आनंद गिरी कभी रोया गिड़गिड़ाया तो कभी बोला कि मैं बेकसूर हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके मुताबिक फांसी वो मौत की वजह बनी है नरेंद्र गिरी जी के, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। लगातार जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है और अब से कुछ देर बाद दो जो आरोपी हैं आनंद गिरी और जो आद्या तिवारी, उनको अदालत में पेश किया जाएगा। इनके अलावा बाबा की सुरक्षा में तैनात चार गनरों से भी पूछताछ की गई है। इनमें गनर अजय सिंह शुक्ला, गनर अभिषेक मिश्रा, मनीष शुक्ला और गनर विवेक शुक्ला शामिल है। इन गनरों से पूछताछ की गई है कि जब ये वारदात हुई तो सारे गनरों से लेकर बाकी सुरक्षा कर्मी कहाँ थे। इनके गनर अजय सिंह की भूमिका सवालों के घेरे में है। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम भी 5 डॉक्टरों की निगरानी में किया गया। करीब 2 घंटे तक बाबा का पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। फिलहाल रिपोर्ट को सील कर दिया गया है जबकि विसरा को सुरक्षित रखा गया है। पंकज श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज आज तक। महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत की गुत्थी उलझी तो आनंद गिरी की कर्म कुंडली खुल गई, क्योंकि शक यही है कि आनंद गिरी के रहस्य लोक से ही महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत का सच बाहर आएगा। तो ऐसे में आनंद गिरी जितनी ऊंची उड़ान उड़ रहा था, अब वह जमीन पर गिर चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कैसे अशोक चोटिया बन गया आनंद गिरी, आइए हम आपको बताते हैं। लंबी कदकाठी, लंबे बाल और फ्रेंच कट दाढ़ी, महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का स्वैग सोशल मीडिया पर खूब दिखाई दे रहा है। आनंद गिरी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि प्रयागराज क्षेत्र में उन्हें एक रॉकस्टार साधु का दर्जा हासिल है। लोग उन्हें छोटे महाराज कहकर भी बुलाते हैं। हैंडल छोड़कर बुलेट चलाने जैसे स्टंट कर चुके आनंद गिरी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय है। इसके साथ ही उनकी पहचान एक यूथ आइकन, स्टाइल आइकन और डायनेमिक गुरु की भी रही है। मॉडर्न योगी आनंद गिरी की पहचान भी नरेंद्र गिरी के गले में लटकी रस्सी के उन बालों की तरह है जिसने बाबा के प्राण निकाल लिए। हम आपको बता दें कि आनंद गिरी ने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। सूत्रों की माने तो आनंद गिरी अपने पासपोर्ट में माँ के नाम की जगह हिंदू देवी पार्वती और पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखते हैं। आनंद गिरी दावा करते हैं कि वो ब्रिटेन और कनाडा समेत दुनिया की कई संसदों में भाषण दे चुके हैं। आनंद गिरी कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो कद और रसूख हासिल किया है उसमें प्रयागराज की अहम भूमिका रही है। वैसे आनंद गिरी का असली नाम अशोक चोटिया है और वो राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं।
आनंद गिरी के पिता बताते हैं कि जब से उन्होंने घर छोड़ा वो सिर्फ एक बार ही घर आए हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ पर एक बार सिर्फ आए थे, जो बिल्कुल थोड़ी देर ठहरा और पहली मैं ले गए थे, आधा घंटा ठहरा मेरे घर से ले गए थे। अभी मेरे छोकरा से बात नहीं कर रही है, नहीं तो मेरे मकान को आकर देख के आप, मेरे कोई मकान में उसी का पैसे लग गया, ना कोई मेरे यहाँ है, मेरे शादी से क्या मिला था, मैं तो मैंने तो मेरी गरीब गुजारा चल रहा, अमृत सर धंधे धंधे करें सर, मैं कोई मजी नहीं, शादी में आरोप लगा रहे, गलत लगा रहे हैं। और आज की तारीख में आनंद गिरी शक के उस रडार पर हैं, जिसमें उनके गुरु नरेंद्र गिरी की मौत का फंदा लटक रहा है और आनंद गिरी की पूरी कर्म कुंडली निकल कर बाहर आ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार में गमगीन सन्नाटा छाया है। जिस अखाड़े में हमेशा संत दिखाई देते रहते थे, वहाँ शोक का साया है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम आने और नरेंद्र गिरी से उनके संबंधों के बारे में निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत राम रतन गिरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। राम रतन के मुताबिक आनंद और नरेंद्र गिरी का विवाद 8 बीघा के एक प्लॉट को लेकर था, जिस पर पहले नरेंद्र गिरी आनंद के नाम से पेट्रोल पंप खुलवाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया और उन्होंने पेट्रोल पंप खोलने का विचार त्याग दिया, लेकिन आनंद गिरी ने उस प्लॉट को वापस करने से मना कर दिया। कितनी बड़ी जमीन थी, कितने की थी, जो जमीन थी उसमें बहन जी पेट्रोल पंप लगवाना चाहते थे और पेट्रोल पंप इसके नाम से लगाना चाहते थे, तो इसके नाम जमीन होनी चाहिए ऐसा नियम है, जिसकी जमीन है उसी पेट्रोल पंप लगा, तो इसके लीज कर दी थी 30 साल थी। लेकिन बाद में महंगी ने कहा यार संत बनने के बाद पेट्रोल पंप क्या चलाना, इसको हम तो और कुछ गौशाला वगैरह और कुछ इसमें खोलेंगे, धर्मार्थ अस्पताल बनाएंगे या कुछ करेंगे। लेकिन आनंद गिरी माने नहीं इस बात में, बोले आप इस जमीन को इधर उधर कर देंगे, नहीं ये तो मेरी, मैं नहीं करूंगा। इसी बात से महन जी बड़े दुखी थे। इतना ही नहीं, निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत कहते हैं कि आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को बहुत टेंशन दी थी, उन्हें ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली। हरिद्वार से मोदित अग्रवाल के साथ आज तक ब्यूरो। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या नोट में कई सारे रहस्य गहरा गए। कई साधु संत और अखाड़ों के मुखिया नरेंद्र गिरी महंत के सुसाइड नोट को शक की दृष्टि से देख रहे हैं और तो और आत्महत्या नोट में बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी होने पर भी अब शक जताया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया है और बलबीर गिरी ने ही नरेंद्र गिरी की समाधि की सारी परंपराएं निभाई, लेकिन नरेंद्र गिरी को करीब से जानने वाले कई साधु कह रहे हैं कि वो सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी का नहीं लगता और न ही वो बलबीर गिरी को जानते हैं। देखा कभी लेटर इतना लिखते ही नहीं थे, प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। उत्तराधिकारी बलबीर का नाम आत्महत्या कर नहीं सकते, हमको पूर्ण विश्वास है, बहादुर व्यक्ति थे वो और संतों की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहते थे। कुंभ मेले में अखाड़ों के साथ बैठ करके हमेशा संतों की व्यवस्था दिलाने का काम वो करते थे, इसलिए आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। तो बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बस सीबीआई। बलबीर गिरी को तो उत्तराधिकारी, अभी मैं नहीं जानता कौन बलबीर गिरी है, मैं तो केवल नरेंद्र गिरी जी महाराज को जानता हूँ। आज तक ने इस पर बलबीर गिरी से बात की, उन्होंने बताया कि सुसाइड नोट में कोई अलग अलग राइटिंग नहीं है और उनके गुरु को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ना तो वो विषय सरकार का देखे जांच करे। आपने राइटिंग आप साथ में रहते थे, लिखते तो वही थे ना, मतलब लोग गलत लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा, नहीं देखा। तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है, क्या अलग दिख रहा है आपको? बड़े महंत की इमेज खराब करने का प्रयास, फिर ये तो सनातन पे हमेशा से उठता है। आप पर उन्होंने बहुत विश्वास जताया है, आप क्या जिम्मेदारों के लिए तैयार है जो छोड़ के गए आपको? ये अभी कोई विषय नहीं है। तो इस तरह से साधुओं की आपसी बातचीत से भी कुत्ती उलझ रही है। आज तक ब्यूरो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही।